गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में बने हुए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से लखीमपुर खीरी, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और स्पेशली जो आपका प्लास्टिक है, आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, खत्म होने में कई साल इसको लग जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल भी इसका किया जा सकेगा, जिससे राज्य में कूड़े की समस्या भी कम होगी। थोड़ा सा देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम डेरिवेटिव आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में बनाया जाएगा। और देखिए, इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बता भी दिया, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। बात करें अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एरिया के हिसाब से, तो हापुड़ जिला सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश अभी और कुछ वजह से चर्चा में है। सबसे पहला तो है जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसको जो डेटा निकला है अभी कि किस राज्य से सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की शिकायतें मिली हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें रैंक वन है। सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स गई हैं एनसीडब्ल्यू के पास, वो उत्तर प्रदेश से ही गई हैं। दूसरा, भारत सरकार ने अभी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके विकास के लिए लगभग 6800 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा विश्व का पहला या दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर या रेड हेडेड वल्चर, या हिंदी में इसे बोलेंगे लाल सिर वाले गिद्धों के लिए कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर, यानी संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जाएगा। ये देखिए, याद कर लीजिए, ये प्रश्न जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये भारत का ही नहीं विश्व का पहला है एशियन किंग वल्चर के लिए। और क्या इसका नाम होगा? इसका नाम रखा जाएगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, यानी जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश अभी लगातार चर्चा में है। और कल एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी हुआ है, आपको पता है जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्र सर को इस बार एक्सटेंशन नहीं मिला, और अब जो मनोज कुमार सिंह हैं उनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो देखिए, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब है क्योंकि आपको पता है, देखिए कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास इस तरीके के खोखे जहां पर तंबाकू वगैरह और अन्य जो मादक पदार्थ होते हैं वो बिकते रहते हैं, इसके लिए रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये प्रोग्राम अभी शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम यानी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके लिए देखिए, उन्होंने TOFI यानी टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशन कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है और इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लॉन्च किया है, जिसे 31 मई 2024 को मनाया जाता है। तो आपका जो नो टोबैको डे है वो 31 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भारत की इस बार जो तंबाकू निषेध के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो PV सिंधु। ठीक है, तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, PV सिंधु जी को बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। जुलाई 2024 में अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, SCO की अगली बैठक कहां पर होने वाली है? जुलाई में अस्ताना में। अस्ताना कहां पर है आपका? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में। और यहां पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं SJYSHANKAR जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नीचे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें, भारत देखिए पहले इसमें एज अ एसोसिएट मेंबर था, फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी गई है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में यह स्थापित हुआ है, कहां पर? शंघाई में। ठीक है, और एक रीजनल ग्रुपिंग है यानी जो क्षेत्रीय स्पेशली एशिया के जो कंट्रीज हैं उसके बीच में कोऑपरेशन के लिए ये बनाया गया है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो आप
टी आर यू सी के, इससे याद रख सकते हैं। ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी 2001 में इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बाद में 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए हैं। यहाँ पर नीचे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है RATS, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो एशिया के क्षेत्र में स्पेशली इस पूरे क्षेत्र में टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए आपस में संवाद स्थापित करता है। तो RATS आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक बॉडी है, इसको याद रखिएगा। हालिया मूल्यांकन के बाद तुर्की को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। FATF का मुख्यालय कहां पर है? तो FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो अभी ये भी याद रखिएगा, किसको हटाया गया है? तुर्की को यहां से हटा दिया गया। और देखिए क्यों इसको रखा गया था, देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की चिंताओं के कारण तुर्की को 2021 में FATF की ग्रे सूची में डाला गया था। देखिए FATF का मुख्य कार्य ही यही है, एक तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इन दोनों को रोकना। जो कंट्रीज इन चीजों में लिप्त पाई जाती हैं उनको ये अलग अलग सूचीज में डालने का कार्य करता है। बात करें FATF की, तो नीचे आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 1989 में की गई है, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में सदस्यता 39 देशों की है, और जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो टी राजा कुमार जी हैं, जो सिंगापुर देश से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट इससे संबंधित हो गए। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अभी तक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, विक्रम मिश्री 15 जुलाई से डैश का कार्यभार संभालेंगे। तो अब इनको विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अभी तक ये डिप्टी NSA थे। NSA भारत के कौन है? अजीत डोवाल सर। और किसका स्थान लेंगे? अभी वर्तमान में विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा सर, उनका ये स्थान लेंगे। भारतीय रेलवे में पहली बार सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में 10 मेगावाट प्रोडक्शन की क्षमता का फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया है। तो इगतपुरी जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर इन्होंने अभी ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। इसके अलावा एक झील अभी और चर्चा में थी, ठीक है, नेट्रॉन लेक। नेट्रॉन लेक ये आपका तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पर पड़ती है, ये भी अभी न्यूज में बनी हुई थी। डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति के आविष्कारक फ्रैंक डकवर्थ का 24 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में DLS पद्धति का पहली बार किस वर्ष उपयोग किया गया था? जो आपका बारिश से प्रभावित मैच होते हैं उसमें आपने देखा होगा DLS मेथड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको 1997 में यूज किया गया था। दो स्टेटिशियन ने मिलकर इसको डेवलप किया था, एक तो डकवर्थ सर ने और दूसरे टोनी लुइस, ठीक है। बाद में जो स्टर्न नाम है इसमें जोड़ा गया, इन्होंने इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए थे, इसको ज्यादा साइंटिफिक बनाया था। तो इन तीनों के नाम पर इसको डकवर्थ लुइस स्टर्न सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में नीचे आप पूरा देख सकते हैं। इनकी मृत्यु हुई है और इस साल वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले। डकवर्थ लुइस स्टर्न पद्धति के आविष्कारकों में से एक फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया, वो 84 वर्ष के थे। और इस पद्धति का पहली बार 1997 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इस्तेमाल किया गया, और 2001 में ICC द्वारा इसे औपचारिक रूप से काटे गए खेलों में यानी जो बारिश के कारण प्रभावित मैच होते हैं उसमें ऑफिशियली अपना लिया गया था। बाद में देखिए ऑस्ट्रेलिया के सांख्यविद स्टीवन स्टर्न द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए, तो इन तीनों के नाम पर डकवर्थ लुइस स्टर्न सिस्टम इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को दिवंगत वैज्ञानिक डैश के सम्मान में मनाया जाता है, तो PC महालनोबिस के सम्मान में यह मनाया जाता है। भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद रहे हैं। बात करें देखिए, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, यूनाइटेड नेशंस का भी एक स्टेटिस्टिक्स डे होता है, ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस यूनाइटेड नेशंस भी मनाता है 20 अक्टूबर को, वो अलग है, ये भारतीय या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। बात करें पीसी महालनोबिस बहुत फेमस है क्योंकि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था जिसको हम नेहरू महालनोबिस मॉडल इस नाम से भी जानते हैं, वो जो है नेहरू जी के साथ या पीसी महालनोबिस सर का रोल उसमें काफी ज्यादा था। तो आपसे अगर पूछे नेहरू महालनोबिस मॉडल कौन से 5 ईयर प्लान का आधार था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। अब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं आती, 2017 तक 2012 से हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं
अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन था वो अब नहीं रहा, अब उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर सर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ की पद भी होता है। ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट पद होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो हेरड डोमार मॉडल, ठीक है, हेरड डोमार मॉडल पर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान या प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित, ठीक है। तो यहां पर नीचे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 20 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र का विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए अपने 13 साल के इंतजार को खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप का फाइनल जीता। यह फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो बारबेडॉस में खेला गया था, कैंसिंगटन ओवल, और कहां पर है? ब्रिज टाउन में। इसके अलावा कुछ और देखिए फैक्ट देखते हैं इसमें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इस बार ये है, भारत पहली बार आईसीसी T20 के इतिहास में ऐसी टीम बनी है जिसने पूरा टूर्नामेंट बिना कोई मैच हारे जीता है। भारत के टोटल मैचों में से एक केवल कनाडा वाला मैच हमारा बारिश से धुला था, बाकी सारे मैच भारत ने कन्विंसिंगली जीते। इसके बाद अगर कुछ और फैक्ट की बात करें तो भारत का कौन सा टाइटल है ये? भारत का ये दूसरा T20 टाइटल है। इससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। सबसे ज्यादा स्कोर इसमें किसने किया है? तो जो अफगानिस्तान के एक प्लेयर है रहमानुल्ला गुरबाज, उन्होंने सबसे ज्यादा रन इसमें स्कोर किए 281। सेकंड नंबर पर कौन रहे? भारत के रोहित शर्मा, जिन्होंने 257 रन इस टूर्नामेंट में बनाए। अगर बात करें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों की, तो दो जो बॉलर हैं वो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं, अफगानिस्तान के फजलुल्ला फारूकी और भारत के अर्शदीप सिंह, दोनों ने 17-17 विकेट इसमें लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें फाइनल में, तो विराट कोहली को चुना गया, बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली। और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को चुना गया, क्योंकि भारत ने इस बार बॉलिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित हो गए। EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में लगातार तीसरे साल किस शहर को सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पहले तो यही याद रखिए, इसको जारी कौन करता है? EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को लगातार तीसरे साल इसमें पहला स्थान मिला है। इसने टोटल लगभग 173 देशों को रैंक किया था, ठीक है। नीचे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं पूरा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और अभी देखिए कुछ दिन पहले, इंपॉर्टेंट क्यों है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टॉप डायरिया, स्टॉप डायरिया अभियान या कैंपेन शुरू किया था। तो स्टॉप डायरिया अभियान के साथ इसको लिंक किया गया है, क्योंकि आपको पता है गंदे पानी वगैरह से डायरिया की घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं। तो सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की स्टॉप डायरिया पहल के साथ मिलकर एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करेगी। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों पहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है स्टॉप डायरिया, उसको किसने लॉन्च किया था? जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो लद्दाख ये बन गया है, लद्दाख। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है। और ये जो मील का पत्थर है, इसके बारे में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बताया गया, 97% साक्षरता दर को ये पार कर गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित यह कार्यक्रम वयस्कों को स्वयं सेवा के माध्यम से साक्षरता, संख्यात्मकता और जीवन कौशल के साथ सशक्त बनाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली प्रशासनिक इकाई है। हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तमिलनाडु का एक मार्शलैंड है, और ये इंपॉर्टेंट रामसार साइट भी है। अगर रामसार साइट्स की बात करें तो भारत में टोटल 82 रामसार साइट हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें इंडिया में तो तमिलनाडु की रैंक 1 है,
तमिलनाडु के पास टोटल 16 वेटलैंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की रैंक है जहां पर 10 वेटलैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। बात करें चर्चा में क्यों है, यहां पर अभी तमिलनाडु सरकार इसको बचाने के लिए एक पुल बनाने की योजना बना रही है और ये चेन्नई शहर के आसपास स्थित है। तो चेन्नई शहर में जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने का या नेचुरल एब्जॉर्बर के रूप में भी कार्य करता है। आपको पता होगा जो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं शहर को बाढ़ वगैरह से और जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो इस वजह से चर्चा में है। रामसार साइट है तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। बात करें रामसार दिवस की तो 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसार कन्वेंशन 1971 में साइन की गई थी, ईरान का एक शहर है रामसार। वहां पर विश्व लेवल पर बात करें तो सबसे ज्यादा रामसार स्थल कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसार साइट है। यूके में सेकंड रैंक है मैक्सिको की, मैक्सिको में 140 से ज्यादा रामसार स्थल है। आगे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा जी को चुना गया है, जो पोर्चुगल कंट्री है आपकी, ठीक है, पोर्चुगल के पूर्व प्रधानमंत्री या एक्स प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं। पोर्चुगल की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है लिस्बन। बहुत फेमस प्लेयर आपको पता ही होगा फुटबॉल के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से ही खेलते हैं। और मुद्रा क्या है, मुद्रा है आप यूरो, और काफी इंपॉर्टेंट पद यूरोपियन यूनियन में माना जाता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले नेटो के भी सचिव चर्चा में रहे हैं। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, मार्क रुटे, इसका स्थान लिया है इन्होंने, जेंस स्टेल्टनबर्ग का स्थान इन्होंने लिया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, में जंगल में लगने वाली आग का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में अभी ये स्कीम लॉन्च की गई है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर आपको पता है गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा इंडिया में चर्चा में रहता है। अभी उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा लगातार फॉरेस्ट फायर के कारण वो चर्चा में रहा है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं, ये आपने देख लिया होगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है पेंच रिवर, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो अभी जगह फॉरेस्ट फायर के कारण चर्चा में रही, एक तो उत्तराखंड में है बिनसर, जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर कुछ जो फॉरेस्ट फायर वॉचर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई थी आग लगने के कारण, तो ये चर्चा में है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा पेंटानल, ठीक है, पेंटानल वेटलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड है साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में 3 देशों में यह फैला हुआ है, बोलीविया, पेरुवे और ब्राजील में। और यहां पर अभी देखिए यह भी आग लगने के कारण चर्चा में बना हुआ था, तो पेंटानल वेटलैंड भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो रिजर्व उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। देखिए दोनों राज्यों में फैला हुआ है ये, मैं फिर बता देता हूं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक अलग अभ्यारण्य के रूप में भी ये जारी है, ज्यादातर इसका सेक्शन लेकिन मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि टाइगर की संख्या भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और लेपर्ड की जो सेंसस हुई है उसकी संख्या भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो यही देखिए हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक मिल जाएगा। धन्यवाद।